तो जिस तरीके से आज कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, अब से कुछ ही देर बाद सीएम पद की शपथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ले रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट जो है हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी ने जो है पेश की है, एक रिपोर्ट आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। हम इस समय मौजूद हैं रिज में, जहां पर कुछ ही देर बाद हिमाचल की नई सरकार शपथ ग्रहण करने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो मंच सामने सजा हुआ है, यहाँ पर कुछ देर बाद शपथ ग्रहण होगा। हिमाचल में चुनाव में लगातार जो बीजेपी कह रही थी कि रिवाज बदलना है, वो रिवाज नहीं बदला और राज बदल गया। हालांकि राज बदलने के बाद गहमा गहमी इस कदर रही कि गर्मजोशी में सब अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री वो नाम थे जो लगातार कल शाम तक सियासी गलियारों में गूंजते रहे, लेकिन शाम होते होते ऐलान हुआ और दिल्ली ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए बिना प्रतिभा के हिमाचल में एक प्रतिभाशाली सरकार का गठन कर दिया और उसके मुखिया के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान कर दिया और उनके साथ उनके सहयोगी यानी उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान कर दिया। अब से कुछ ही देर बाद ये शपथ होगी, इसके बाद वो तमाम अपेक्षाएं शुरू हो जाएंगी हिमाचल में जो नई सरकार के गठन से जनता को हो है। अब ऐसे में देखना होगा कि कैसे सरकार